it's my birthday today. बहुत ज्यादा मस्ती करी प्री इवनिंग बनाने के लिए, बर्थडे इवनिंग बनाने के लिए, लेकिन वो मैंने कैप्चर नहीं किया जस्ट बिकॉज मुझे आज का दिन कैप्चर करना था और आज का दिन वैसे प्लान्ड नहीं था। बहुत जल्दी मैंने प्लान किया है और हम लोग जा रहे हैं स्काईलैंड रिजॉर्ट। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, मेरे साथ में कुणाल है और मेरा भाई है देव। सो हम लोग जा रहे हैं और मैंने बहुत ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया क्योंकि मैं तो लोगों को ज्यादा जानती नहीं हूँ। मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ और जो मेरे पास पास वाले हैं उनको मैंने इनवाइट किया है। तो लेट्स गो और मैं दिखाती हूँ कि हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं। लव और आयुषी वहीं से आने वाले, लव आयुषी अमन सब लोग आने वाले हैं। और गाड़ी चलाते चलाते मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कोई ना कोई ठुक ना जाए। सो गाइस जस्ट स्टे ट्यून्ड और बताते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस मुझे 10 मिनट हो गए हैं ड्राइव करते करते, रास्ते में पहुंच नहीं पा रहे और बहुत ज्यादा धूप है कि गाड़ी के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है। हम लोगों ने ये ड्रेस अप इसलिए किया हुआ है कि जाते से ही पूल में कूदना है। अब मुझे पता है मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं कब तो क्या पोज डालूंगी, बिकॉज जब तक मैं जाऊंगी तब तक मैं कूदूंगी तब तक शाम हो जाएगी। अब मुझे शाम हो जाएगी तो वापस मेकअप कैसे करूं यार। प्लीज नायका को बोलना पड़ेगा एक ऐसा फेस मास्क लगाओ कि हम ऐसे कर रहे तो मेकअप हो जाए, देर ना करनी पड़े हमको मेकअप के लिए। सो Yes, instant makeup. So, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। इंदौर वालों को ये जगह पता है बहुत अच्छे तरीके से, और इंदौर वालों को अगर मैं बोलूंगी कि हम लोग स्काईलाइन जा रहे हैं तो ये भी पता है यहाँ से जाना है ना लेफ्ट लेफ्ट लेना है लेफ्ट ओके। सो यहाँ से लेफ्ट लेना, मैं बिल्कुल ही रास्ता भूल गई हूँ इतने दिन से, मैं क्योंकि इंदौर में घूम ही नहीं रही हूँ। दिल्ली 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 ऐसा से हूँ, बहुत क्लीन सिटी है मेरी इंदौर। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता देखना, बीच में उबड़ खाबड़ आएगा जिसके अंदर मैं थक जाऊंगी। सो वोल्वो गई और गाड़ी, मेरे को वोल्वो लेनी है यार जल्दी यार, कब तक i20 चलाऊंगी मैं। वोल्वो आएगी जल्दी आएगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, देखो आगे आगे होता गया। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पे आने में, बिकॉज दोपहर के टाइम पे ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी लेट जाकर भी करूंगी क्या यार। डुक्की मारने गया था, अंकल क्या कर रहे हो? पहुंच गए बस लेफ्ट लेने गए बस। कर पड़ जाएगी ये, हम लोग पहुंच गए हैं स्काईलाइन पे। Family.
ये बर्थडे मनाने आए हो तुम लोग? वेकेशन पे आए हो ऐसा लग रहा है। हुआ गया था वहां पे तारक में तो देखा यहां पे आया 3 इडियट्स देख लो। ऐसे कौन कूदता है यार, ऐसे कौन कूदता है? अच्छे से कूदती ना कुत्ती, तू इतनी लंबी है। आ नहीं लो कूदो। ये ऐसे क्या कूद रहा है? 6 फीट के स्विमिंग पूल में कूद रहा है क्या? क्या गंदा दिया इसने। जाना रे तू।